जी हाँ बहनों और भाइयों, अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत ही खूब कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक हमारा महाराष्ट्र भी है, और दोस्तों उसी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हमारा धुलिया शहर, धुलिया ज़िला, धुलिया शहर है। और दोस्तों मैं बता दूँ, धुलिया शहर में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, इंच से गिना जाए तो फुट से निकलेंगे, और फुट से गिना जाए तो मीलों से निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कलाकार बनते नहीं बल्कि पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा धुलिया शहर, यहाँ पर हर किस्म के, हर कैटेगरी के कलाकार आपको मिलेंगे, जुर्म से लेकर क्राइम तक और अच्छाई से लेकर बुराई तक। तो दोस्तों बुराई को तो छोड़िए, अब देखते हैं अच्छाई की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, हमारे धुलिया शहर ने इंदौर, सेंधवा, साथ ही साथ राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार और बहुत सारी जगहों पर जो गाड़ियों की जो कैबिन बनाई जाती है, जैसे कि जोधपुर कैबिन, मोड़ासा कैबिन, बेलगाम कैबिन, इंदौर कैबिन, पंजाब कैबिन वगैरह, तो दोस्तों हमारे यहाँ धुलिया आपको हर किस्म के कलाकार मिलेंगे। बॉडी कैबिन से लेकर इंजन मैकेनिक, पाटे वाले, गादी भूषण मेकर, स्प्रे पेंटर और आर्ट लिखाई के आर्टिस्ट पेंटर। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि धुलिया शहर में गाड़ी का एक नट से लेकर पूरे इंजन तक काम किया जाता है, बॉडी का बॉडी कैबिन और शो डेंटिंग वगैरह का भी पूरा काम किया जाता है, यानी कि गाड़ी का एक नट बोल्ट से लेकर पूरे पूरे इंजन और पूरी मशीनरी तक काम किया जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर साथ ही साथ आपको नया, पुराना और सेकंड हैंड मटेरियल भी मिल सकता है। हमारा धुलिया शहर नोट बांटने और छापने तक पहुँच चुका है। एक दौर में हमारे यहाँ 20 का नोट छापा गया था, एक दौर में हमारे यहाँ कोरी कोरी नोटें निकाल कर बांटी गई थी। और धुलिया का इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। जिस नज़रिए से आप देखोगे, उस नज़रिए से सबके पहले नंबर शुरू होता है महाराष्ट्र का धुलिया ज़िला, धुलिया शहर। दोस्तों अब तक की मेरी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जो एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट या बहुत हो गया तो पाँच मिनट, लेकिन मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट्स मिले कि भाई कुछ बड़ी वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैंने आपके कॉमेंट्स पर बहुत ही गौर करने के बाद सोचा कि भाई क्यों ना एक ही वीडियो में बहुत सारी डजनों भर पेंटिंग उसमें आ जानी चाहिए। और आपके ऐसे ही कमेंट्स की वजह से मेरे दिल में भी जाग उठी पेंटिंग की मशहूर मधुर जवानी की पहचान, बचपन की यादें, जवानी की पहचान और बचपन का साथ। दोस्तों मैं ये वीडियो सिर्फ गाड़ियों के शौकीन के लिए नहीं, बल्कि ड्राइवर, क्लीनर, ओनर के लिए नहीं, बल्कि और भी आर्ट लाइन से मोहब्बत रखने वालों से और आर्टिस्ट लोगों में आर्ट से लगाव रखने वाले, उसे चाहने वाले, उसे प्यार करने वाले और उसे दिल में बसाने वाले, और साथ ही साथ जो दूसरे व्यवसाय में भी है लेकिन उन्हें पेंटिंग से रुचि है और वो अपने पेंटिंग के जो बोर्ड है, जो व्यवसाय के जो बोर्ड है, उसे रंगीन बनाने में, डिज़ाइनों में, स्टाइल में बनाने के जो रुचि रखते हैं अपने व्यवसाय के बोर्ड्स को, या यूँ कह लिया जाए कि मेन दर्शनी भाग को जो उभारना चाहते हैं, और उन्हें बहुत सारी पेंटिंग से रुचि रहती है और उनका समाज और माहौल कुछ पेंटिंग में इस तरह ढल जाता है कि उन्हें हर तरीके की चीज़ों को सजा कर रखना अच्छा लगता है। उन्हीं की आदतों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस चैनल में कुछ ना कुछ वीडियो में डाल ही देता हूँ। और हाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी जो बचपन से जो पेंटिंग में जो रुचि थी, जो मैं उससे लगाव रखता था, बस उसी की यादों की शबनम के छिड़काव
और मन की आंखों से जो उसकी तस्वीर बना लेता था, अपने ख्याली शोले और अपने ख्यालों के रंग भर कर मैं आपको उसी पेंटिंग को अपनी हर वीडियो में डालता रहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं आपको पिछले 40-45 सालों से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, और पिछले 40-45 सालों से जो मेरा तजुर्बा रहा है, मैं उसी तजुर्बे को अपनी हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ झलक छिड़क देता हूँ, अपने तजुर्बे का निचोड़ उस पर निछावर कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पहले पहले जो मेरी शुरुआत में जो पेंटिंग्स थी, जो आपने देख चुके हैं या आप जो देखोगे, उसमें बहुत सारी पेंटिंग में तो कुछ ऐसा रहता था कि भाई कुछ एडिटिंग वगैरह तो कुछ आती नहीं थी, सिर्फ चारों तरफ से पेंटिंग को कैमरा घुमा दिया और उसी को आपके सामने वीडियो बनाकर पेश कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता दौर बदलता गया और मेरी भी कुछ समझ में आता गया, और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसकी एडिटिंग वगैरह भी मैं खुद ही करता हूँ दोस्तों, अलाउंसिंग भी जी हाँ मेरी ही है, और गाड़ियों के लिखाई के पहले का पोजीशन भी मैं आपको बहुत सी वीडियो में दिखा रहा हूँ, और गाड़ियों की पेंटिंग के बाद का भी पोजीशन मैं आपको दिखाता चलूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस पेंटिंग को गौर से देखिए और कलर के पहले के पोजीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है वो भी मुझे कमेंट्स कीजिए, और आर्ट पेंटिंग के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, उसमें जो भी कमी बेशी खामी, तो आप मुझे बेताशा कमेंट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स के लिए पूरा पूरा दिन मतलब ऑनलाइन रहता हूँ, और आपके कमेंट्स के इंतज़ार के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका कमेंट्स आते ही मैं तुरंत आपके कमेंट्स के जवाब देने की तैयारी में बैठा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर सही मानों में पूछा जाए तो मुझे आपके कमेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे ही आपका कमेंट्स आता है, मैं वैसे ही वीडियो बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ कि भाई अगली वीडियो में आपको क्या चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए और पब्लिक डिमांड क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपके प्यार ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जैसे ही मैंने 2017 में चैनल चालू किया था, तब तो मुझे मतलब कुछ मालूम ही नहीं था, मैं सिर्फ धुलिया शहर में ही खेल रहा था। जहाँ दोस्तों, ये कहा जाए कि सारा शहर मुझे खान पेंटर के नाम से जानता था, लेकिन आपका प्यार और मेहरबानी अगर मुझ पर रही और आपने मेरी इस वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, दोस्तों में शेयर करते रहे, और बढ़िया से बढ़िया छोटे मोटे जो भी आपके समझ में आए कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के लिए अर्जेंट जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ भाइयों। और आपका अगर इसी तरीके का प्यार मुझ पर बरकरार रहा, तो सिर्फ दोस्तों धुलिया शहर नहीं बल्कि धुलिया जिला, और धुलिया जिला ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाहर भी यानी कि पूरे इंडिया में लोग मुझे खान पेंटर के नाम से जानने लगेंगे, और साथ ही साथ आपकी दुआओं और प्यार का साया मेरे सर पर रहा तो दुनिया भी शायद मुझे जानने लगे। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो तो बनाया था, तकरीबन वो भी लंबी वीडियो थी, लेकिन उसमें बहुत सारी गलती और खामी होने की वजह से मैं उसे डिलीट करना चाहता था, लेकिन कुछ मास्टर लोगों ने बताया कि भाई जो यूट्यूब के जो मास्टर लोग हैं, उन्होंने बताया कि भाई ठीक है उसको रहने दो और दूसरी वीडियो बना लो। तो मैं दोस्तों आपके लिए दूसरी वीडियो पेश कर रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें तो हमने सारे जहाँ से हिंदुस्तान में मतलब शेयर कर ही चुके हैं, चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी कहा जाए कि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र और धुलिया ज़रूर है। और भाइयों, अगर आपकी दुआ रही तो इस हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में और धुलिया शहर में आपका खान पेंटर भी ज़रूर रहेगा।
दोस्तों क्या करूं, मैं तो मेरी पेंटिंग की बहुत सारी यादें आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन क्या करूं साहब, मेरे पास जो वीडियो का जो रिकॉर्ड है वो सन 2017, 18, 19, 20 और 21 तक ही है, लेकिन फिर भी 2017 के पहले की बहुत सारी यादें वो मुझसे कह रही है कि भाई खान साहब मेरा भी जिक्र कीजिए। तो दोस्तों मैं बहुत सारी यादों का जिक्र तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उसे मजबूरन मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि उस दौर में कैमरे और वीडियो वगैरह कुछ ऐसी मतलब ली नहीं जाती थी। बहुत ही महंगे महंगे प्रोजेक्ट हुआ करते थे, बहुत हो सके तो आदमी सिर्फ फोटो खींच लिया करता था। जी हाँ दोस्तों, यादें तो मन में बहुत सारी बसी हुई है, लेकिन क्या करूँ भाई, सारी यादें तो आपके साथ मतलब शेयर नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को जमा करके आपके सामने पेश किया हूँ। यानी कि एक शेर सुनिए, बड़ी मुश्किल से मैंने जमा करके एक कागज़ पर तुम्हें भेजे हैं अपने प्यार की तस्वीर के टुकड़े, अगर गुस्से में आकर तुम मेरा खत फाड़ भी डालो, यकीनन पाँव चूमेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, चांद तारे फलक पर जितने झुक के सब एहतराम करते हैं, महफिल में शामिल हाजरीनों को बाअदब हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों बाकी की यादें और आपके साथ पेश कर रहा हूँ। जी हाँ बहनों और भाइयों, धुलिया शहर में आपके अपने और खान पेंटर के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से सुस्वागतम, खुश आमदीद और वेलकम कहते हुए मैं आपको एक और वीडियो देखने की दावत दे रहा हूँ। आज मैं आपको अपने बहुत सारी वीडियो को एक जगह जमा करके पेश कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई, जोधपुर, इंदौर कैबिन, बेलगांव कैबिन, छोटा हाथी, टाटा एस, बोलोरो 407, आयशर और बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई की पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ बहनों और भाइयों, हमारे इस धुलिया शहर में एक से बढ़कर एक फनकार मौजूद है, जैसे कि बॉडी कैबिन मेकर, बेहतरीन से बेहतरीन स्प्रे पेंटर्स, लाजवाब रेडियम आर्टिस्ट, बढ़िया से बढ़िया गादी कुशन मेकर और सभी कलाकार एक ही छत के नीचे। जी हाँ, और लाजवाब इलेक्ट्रिशन, बेहतरीन पाटे वाले और मशहूर मारूफ शख्सियतें, इंजन फिटर वगैरह। देखना चाहे तो भाइयों और बहनों, एक ग्रीस वालों की वजह से भी गाड़ी का बहुत सारा काम रुक जाता है। धुलिया शहर का नाम आया, यानी कि हर कलाकार का नाम इसमें शामिल हो जा रहा है। और देखने वाली बात तो ये है भाइयों, यहाँ के जो बॉडी बिल्डर है, ड्राइवर की, मालिक की और क्लीनर की, तमाम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी कैबिन को अपने अंदाज में बनाते हैं। और सही मानों में देखा जाए तो भाइयों, बॉडी बिल्डर की तो इस काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है, क्योंकि चुनिंदा कलाकारों को एक जगह जमा करके तो एक लाइट तो लगा दे बेटा, इधर कमाल कर रही तू। उड़ जाएगा ना, बट आ जाओ कर रही। छोटे बड़े और मशहूर मारूफ और सभी प्रकार के कलाकारों को एक जगह जमा करके बॉडी बिल्डर अपनी गाड़ियों में, यानी कि चुनिंदा कलाकारों की सहूलियतों के हिसाब से, जो जूनी पुरानी नई जो पुरानी गाड़ियाँ आती है उन्हें इस कदर बेहतरीन अंदाज में बना डालते हैं कि गाड़ी बिल्कुल पहचान भी नहीं आती है कि ये वही गाड़ी है। गाड़ी वालों का भी ये कहना होता है कि सिर्फ गाड़ी के नंबर से ही गाड़ी पहचान में आ सकती है। गाड़ी जब आती है गैरेज में तो कुछ अलग पोजीशन में होती है, और जब बन कर निकलती है, यानी कि यहाँ से जब जाती है, रवाना होती है, तो गाड़ी का लुक, उसका शो, बॉडी, कैबिन, कलर और बहुत कुछ लुक चेंज होने के बाद
गाड़ी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से ही पहचान में आती है। तो दोस्तों, ये है हमारे धुलिया शहर का मार्केट। यहाँ पर गाड़ी का बॉडी, कैबिन, शो, डेंटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और ना जाने कई प्रकार के काम इसमें किए जाते हैं। गाड़ी के नट बोल्ट से लेकर मशीनरी, इंजन और हर काम यहाँ पर किया जाता है। और भाइयों, देखा जाए तो गाड़ियों में स्प्रे पेंटर की भी बहुत मेहनत होती है। डेंटिंग, वेल्डिंग और खड्डे वगैरह को बहुत ही सफाई से, मेहनत से, लांबी, कारपेच, अस्तर और कलर सिंगल, डबल, फाइनल करके उसे ऐप को छुपा दिया जाता है। और इन सब की कलाकारी के बाद आता है मेरा नंबर, यानी कि खान पेंटर। जी हाँ बहनों और भाइयों, आर्ट की दुनिया में अपना भी कुछ मकाम अलग ही रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताते चलूँ, पिछले 40-45 सालों से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका सेवार्थ बनकर बैठा हूँ। और हाँ भाइयों, हमारे यहाँ 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर, आयशर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर, 407, बोलेरो, पिकअप, छोटा हाथी, लिखाई, सजावट, पेंटिंग और डिज़ाइन, पेंटिंग, बैकग्राउंड, सैकड़ों प्रकार के बैकग्राउंड, हज़ारों प्रकार की डिज़ाइन, बढ़िया से बढ़िया लेटर, लेटर फॉन्ट्स, अनगिनत स्टाइल्स, बेशुमार भाषाएं, यानी के जैसे कि बताया जाता है बहुत सारी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी और वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं आपको नेट की दुनिया में, इंटरनेट में, यानी के यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंट्रेस्ट, इंस्टाग्राम, मौज और बहुत सारी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं इसी नंबर पर मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारा पता है खान पेंटर, धुलिया, AB रोड, 40 गांव, चौफुली, होटल अमृत के पास, धुलिया। जी हाँ, और हमारा फ़ोन नंबर याद रखिए, 9226142795। भाइयों, काम कोई छोटा हो या बड़ा हो, काम तो आखिर काम ही होता है। आसपास में अगर आप मुझे एक नंबर प्लेट के लिए भी फ़ोन करोगे तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। वैसे आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, बैनर होल्डिंग और बहुत सारे आर्ट वर्क काम किए जाते हैं। भाइयों, मेरी इस वीडियो को गौर से देखिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें आपको जो भी कमी खामी या जो भी कुछ नज़र आए, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ मेरी पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, ये इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ, हमेशा लाता रहता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में क्या चाहिए। आपकी पसंद के मुताबिक मैं उस वीडियो में ज़रूर आपकी पसंदीदा फरमाइश को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अपना तो पहले से यही ख्याल रहा है, बढ़िया काम वाजबी दाम, बढ़िया काम वाजबी दाम। जी हाँ भाइयों, बढ़िया काम वाजबी दाम, सुपर काम वाजबी दाम। मेरी इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, खान पेंटर के और आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का सुस्वागतम, वेलकम और खुशामदीद कहते हुए
मैं आपको एक और वीडियो देखने की दावत दे रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आज आपका पेंटिंग का साथी यानी कि खान पेंटर पेंटिंग की बहुत सारी भूली बिखरी यादों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। सन 2017 की बहुत सारी यादों को लेकर आपके साथ दाखिल हो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन क्या करूँ साहब, उससे पहले की भी बहुत सारी यादें मेरे दिल में अब तक बसी हुई है और एक पैगाम बनकर आपके सामने आने के लिए तैयार बैठी है। अगर इन यादों को कहा जाए यादों की बारात तो भी कोई कम नहीं। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, इंसान की ज़िंदगी में यादों के सिवा बसा ही क्या है। ये ज़िंदगी भी सिर्फ एक यादों की बारात बनकर रह गई है। मेरे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स और व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आए कि भाई आप वीडियो को बहुत छोटी बनाते हो। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी लंबी और बड़ी वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियो को एक जगह जमा करके आपकी फरमाइश पर ये एक वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि हमारा धुलिया शहर हज़ारों लाखों और करोड़ों में से एक शहर यानी कि महाराष्ट्र का धुलिया शहर। धुलिया शहर में एक से बढ़कर एक कलाकार। और भाइयों, धुलिया शहर के बाहर, अंदर और चारों तरफ कलाकार बसे हुए हैं। जी हाँ, अगर ये कहा जाए कि यहाँ कलाकार बनते नहीं बल्कि कलाकार पैदा होते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ शहर के गोशे गोशे में कलाकार बसे हुए हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, इंदौर कैबिन बनाने के लिए हमें पहले इंदौर जाना पड़ता था। मुड़ासा कैबिन बनाने के लिए बहुत सारे मुड़ासा के शौकीन वहाँ जाकर बॉडी कैबिन बना कर लाते थे। और उसके बाद जब राजस्थान कैबिन का दौर चला तब तो बहुत सारे लोग राजस्थान से बॉडी कैबिन कलरिंग वगैरह करवा के लाते थे। इसी के साथ साथ बेलगांव कैबिन का भी वही हाल था। इसी के साथ बेलगांव कैबिन, नासिक कैबिन, पंजाब कैबिन वगैरह हर कैबिन बनाने के लिए उसके अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। और अब भाइयों देखिए, धुलिया शहर के कलाकारों ने कुछ ऐसी करोड़ बदली। एक ही शहर में, एक ही गांव में, एक ही हाईवे पर गाड़ी के एक नट बोल्ट से लेकर बुशिंग, पाटे, मशीनरी, इंजन, बॉडी, कैबिन, शो और बहुत सारी बातें आपको यहीं पर ये फरमाइश के मुताबिक मिल जाएंगी। हमारे धुलिया शहर में बहुत सारे कलाकार इंदौर कैबिन, मुड़ासा, राजस्थान, पंजाब कैबिन, बेलगांव कैबिन और नासिक कैबिन वगैरह सब कुछ यहां पर बनाकर आपकी पेशे खिदमत कर सकते हैं। जी हाँ भाइयों, हमारे यहाँ हर चीज़ का वाजबी दाम, मुनासिब काम। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बॉडी कैबिन और शो रिपेयरिंग वगैरह के काम के कलाकार भी बहुत सारे मौजूद है। और हर कलाकार ने अपने गैरेज में बहुत सारे चुनिंदा कलाकारों को जमा करके रखा है, जैसे कि रेडियम कलाकार, स्प्रे पेंटर्स। आज भी हमारे यहाँ स्प्रे पेंटर अमजद, स्प्रे पेंटर अखिल, स्प्रे पेंटर भुरू और उस्तादों में गिने जाने वाले स्प्रे पेंटर फारूक एंड महमूद, स्प्रे पेंटर अफान, स्प्रे पेंटर रहमान, स्प्रे पेंटर जब्बार, स्प्रे पेंटर गयाज बापू, स्प्रे पेंटर शकील, स्प्रे पेंटर सत्तार खान और ना जाने ऐसे अनगिनत कई बहुत सारे उस्तादों के उस्ताद और माहिर कलाकार यहाँ मौजूद है। और भाइयों, रेडियम के कलाकारों की भी कोई कमी नहीं है। स्प्रे पेंटर में भी बहुत सारे पेंटरों के अलावा कई गुमनाम कलाकार और भी मौजूद है जो बंगार को अंगार बना देते हैं। जी हाँ, अरे भाई, रंगों की दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लांबी, अस्तर, कारपेच, गसाई, सिंगल हाथ, डबल हाथ, फाइनल और साथ ही साथ कोटिंग वगैरह। ये मानिए जैसे कि ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ी बनाई नहीं बल्कि रख दी गई है सामने। भाइयों, अगर देखना चाहे तो
इसके आगे नई लग्जरी भी फीकी पड़ जाती है। इस तरीके की कलाकारी हमारे कलाकार लोग बताते हैं। सही मानों में तो साहब कलाकारी की कला कदर करने वाला चाहिए। कलाकार की कदर और हिम्मत हौसला अफजाई से कलाकार को बहुत कुछ मिल जाता है। कलाकार की हिम्मत और हौसला अफजाई करने से कलाकार का पूरी थकन उतर जाती है। और भाइयों, इनके बाद आता है हमारे रेडियम वालों की कलाकारी, यानी कि बहुत सारी ग्लास पेंटिंग, ग्लास के कांच के ऊपर पेंटिंग वगैरह, पट्टों पर नाम लिखाई और बहुत सारी डिज़ाइनें, फूल, फाउंट्स, बढ़िया से बढ़िया फाउंट्स, छोटे मोटे और डिज़ाइन वाले बैकग्राउंड्स, ना जाने रेडियम में और ये लोग क्या क्या कलाकारी कर देते हैं। हमारे यहाँ मशहूर मारूफ शख्सियत रज़ा रेडियम आर्ट, न्यामत रईस और अब्दुल रशीद वगैरह, इनके बाद और भी बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे कि अख्तर रेडियम वाला, अखलाक रेडियम वाला और बहुत सारे रेडियम वाले हैं। यदि सबके नाम लेना तो कोई मुनासिब नहीं है भाई, इतना मेरे जहन में था वही मैं आपको बता रहा हूँ। इनके अलावा गादी बुशिंग का जो काम करते हैं, यानी कि एमपी कुशन, मसूद भाई शेरा, जावेद भाई धुलिया कुशन, अशफाक कुशन, शकील भाई कुशन वाले और बहुत सारे कलाकार यहाँ मौजूद है, जो अपनी कलाकारी से बहुत कुछ बना सवार कर बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। इनके काम को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक की गादी बुशिंग नहीं बल्कि कोई हवाई जहाज़ की गादी बुशिंग की गई है। लेकिन हाँ, इनका भी वही हाल है, वाजबी दाम, बढ़िया काम। और हाँ भाइयों, इलेक्ट्रिशियन के बगैर तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। अगर ये कहा जाए कि भाई रात में लाइटिंग बंद हो गई तो गाड़ी हिलेंगी नहीं। बेहतरीन अंदाज में, लाजवाब कलरों में, रंगीन और बढ़िया से बढ़िया लाइटिंग, पाटे वाले भी बहुत सारे हमारे यहाँ मौजूद है, जैसे कि सईद भाई पाटे वाले, समंत भाई पाटे वाले और बहुत सारे पाटे वाले मौजूद है। ट्विटर में भी बहुत सारे, जैसे कि रफ़ीक भाई, रफ़ीक ऑटो गैरेज और ऐसे बहुत सारे मैकेनिक, जिनकी वजह से धुलिया शहर का नाम आज बहुत ही बुलंदी पर पहुंच चुका है। और हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ फिनिश मारने वाले से लेकर बढ़िया से बढ़िया कलाकारी तक बहुत सारे कलाकार ऐसे मौजूद हैं जो अपनी कला में बहुत ही माहिर। दोस्तों, हमारे यहाँ गाड़ी का एक नट बोल्ट स्क्रू, नया पुराना और सब चीज़ें बाकायदा हमारे यहाँ मिल जाती है। दोस्तों, ये तो हुई मशीनरी लाइन से। और हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट नगरी, यानी कि ट्रांसपोर्ट हाईवे, ट्रांसपोर्ट नगरी। भाइयों, गाड़ी मालक की, ड्राइवर और क्लीनर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी बिल्डर, यानी कि बॉडी कैबिन शो रिपेयरिंग वाले गाड़ी की इस तरीके से बनावट करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास रहे। बढ़िया काम, चुनिंदा कलाकार और बहुत सारी टेंशन को सुलझाते हुए उमदा, बढ़िया और मज़बूत मटेरियल इस्तेमाल करते हुए जानदार और शानदार काम। लेकिन इनका भी यही नारा रहा, वाजबी दाम, बढ़िया काम। मजबूत और बढ़िया मटेरियल, हेवी मटेरियल का शाहकार। दोस्तों, अगर हमारे यहाँ स्प्रे पेंटर अब्दुल रशीद के बारे में कहा जाए तो वो भी कुछ बातों में किसी से भी कम नहीं है। और हमारे यहाँ पुराने उस्तादों में अब्दुल सत्तार पेंटर का नाम आता था, उन्होंने आज रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि उन्होंने स्प्रे पेंटर शकील को तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस दौर में स्प्रे पेंटर शकील अहमद भी कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, उनका तो एक चैनल भी है शकील पेंटर के नाम से,
जिसमें उन्होंने आयसर की बहुत सी गाड़ियों की वीडियो डाल रखी है। तकरीबन उन्हें लाख लोग देख चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, ये जो मेरा चैनल चल रहा है ये उन्हीं की बदौलत चल रहा है, क्योंकि ये चैनल बनाने और आइडिया देने से लेकर चलाने तक अभी तक उन्हीं ने रहबरी की है। देखने में छोटा सा लड़का लगता है, लेकिन वो काफ़ी जानकार और मशहूर मारूफ शख्सियत है। जी हाँ, स्प्रे पेंटर शकील अहमद यानी के राहिल आर्ट। दोस्तों, गाड़ी बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत यानी के दिमाग को तान जिसको कहा जाता है वो बॉडी बिल्डर का ही रहता है। बढ़िया से बढ़िया कारीगरों को एक जगह जमा करना, स्प्रे पेंटर, गादीभूषण मेकर, रेडियम आर्टिस्ट, आर्ट पेंटर और बहुत सारे कलाकारों को एक ही छत के नीचे जमा करके रखना कोई साधारण सी बात नहीं है। बहुत सारे कलाकारों को एक जगह जमा करके रखना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। ये सारे कलाकारों की कामयाबी का सहरा बॉडी बिल्डर के नाम पर ही जाता है, यानी कि बॉडी कैबिन शो रिपेयरिंग गैरेज वालों के नाम पर। जी हाँ बहनों और भाइयों, ये चुनिंदा कलाकारों की पेशकश है जो आप गाड़ी देख रहे हैं। जो गाड़ियों में जो भी सजावट, लिखाई, रेडियम, मशीनरी और ना जाने बहुत सारी बातें, जैसे कि लाइटिंग, वायरिंग, पाटा, फिटर वगैरह वगैरह, गाड़ी आती है तो कुछ अलग ही पोजीशन में, जैसे कि टूटी फूटी हुई, एक्सीडेंट गाड़ियाँ, कंपनी से निकली हुई सादी सैंपल गाड़ियाँ, लेकिन जब बन कर जाती है तो गाड़ी वाले भी कहते हैं कि इसे हमारे गांव के लोग भी शायद नहीं पहचानेंगे। जी हाँ बहनों और भाइयों, इस तरीके की गाड़ियों की पहचान सिर्फ एक ही बातों से की जाती है, यानी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आरटीओ ऑफिस से मिलता है। दोस्तों, अभी तक तो मैंने बॉडी बिल्डर के बारे में बहुत कुछ बता दिया हूँ। अब आपका जाना माना चहिता कलाकार खान पेंटर, मैं तकरीबन पिछले 40-45 सालों से आपकी सेवा में हाईवे पर ही बैठा हूँ। एक नंबर प्लेट से लेकर पूरी गाड़ी की लिखाई, हमारे यहाँ एक नंबर प्लेट, सनसेट प्लास्टिक, ग्लॉस पेंटिंग और साथ ही साथ बहुत सारे कलरिंग, डिज़ाइन, आर्ट, लिखाई। दोस्तों, मुझे आपकी मोहब्बत ने इस कदर मशहूर मारूफ बना दिया, सारा शहर मुझे खान पेंटर के नाम से जानता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, आयशर, ट्राला, टैंकर, ट्रैक्टर, 407, बोलोरो पिकअप, छोटा हाथी, लिखाई, सजावट, झालर, पर्दे, बैकग्राउंड और बहुत सारी बातें, पेंटिंग में एक से बढ़कर एक अलहदा बैकग्राउंड, एक से बढ़िया एक बैकग्राउंड, सैकड़ों फाउंड लेटर्स, बेशुमार डिज़ाइनों में फोटो, फिगर, राइटिंग, सीन, सीनरी, साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, बैनर, होल्डिंग, ए टू जेड, अनगिनत भाषाओं में, यानी के उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती और वगैरह वगैरह फॉन्ट्स में। जी हाँ दोस्तों, बस सिर्फ एक ही नारा, वाजबी दाम, बढ़िया काम। एक बार हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। दोस्तों, हमारा पता है खान पेंटर धुलिया, AB रोड, हाईवे, 40 गांव, चौफुली, होटल अमृत के पास, धुलिया। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9226142795।
जी हाँ, याद रखिए 9226142795। और दोस्तों दूसरा नंबर भी इसी से मिलता जुलता है, 9326142795। दोस्तों अगर ये कहा जाए कि खान पेंटर ने सिर्फ नाम के सिवा और कुछ नहीं कमाया तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। अगर ये कहा जाए कि हमारा नाम ही काफ़ी है तो भी शायद सही बात होगी। दोस्तों मैं आपको इसी नंबर पर यानी कि 9226142795 पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंट्रेस्ट, इंस्टाग्राम, मौज और बहुत सारे नेटवर्क वेबसाइट पर मिल जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वाजबी दाम बढ़िया काम, खान पेंटर धुलिया। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको मेरी इस वीडियो में जो भी कमी बेशी नज़र आए तो उसे कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। इसमें जो भी आपको कमी बेशी नज़र आए मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा मेरी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर दोस्तों वक्त की रफ़्तार के घोड़े पर सवार हो जाइए और अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों के लिए अपना और अपने इस चैनल को शब बखैर, खुदा हाफिज़, लाइक कीजिए। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको मेरी इस वीडियो में जो भी कमी बेशी नज़र आए तो उसे कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। इसमें जो भी आपको कमी बेशी नज़र आए मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा मेरी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर दोस्तों वक्त की रफ़्तार के घोड़े पर सवार हो जाइए और अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। तो मेरी इस वीडियो में बहुत सारी सीखने के लायक बातें हैं, अगर आप इस पर गौर करें तो आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर सीखने को मिलेगा। और इसी की बदौलत आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, धुलिया शहर में आपके अपने और खान पेंटर के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से सुस्वागतम, खुश आमदीद और वेलकम कहते हुए मैं आपको एक और वीडियो देखने की दावत दे रहा हूँ। आज मैं आपको अपने बहुत सारी वीडियो को एक जगह जमा करके पेश कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई, जोधपुर, इंदौर कैबिन, बेलगांव कैबिन, छोटा हाथी, टाटा एस, बोलोरो 407, आयशर और बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई की पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ बहनों और भाइयों, हमारे इस धुलिया शहर में एक से बढ़कर एक फनकार मौजूद है, जैसे कि बॉडी कैबिन मेकर, बेहतरीन से बेहतरीन स्प्रे पेंटर्स, लाजवाब रेडियम आर्टिस्ट, बढ़िया से बढ़िया गादी कुशन मेकर और सभी कलाकार एक ही छत के नीचे। जी हाँ,
और लाजवाब इलेक्ट्रिशन, बेहतरीन पाटे वाले और मशहूर मारूफ शख्सियतें, इंजन फिटर वगैरह। देखना चाहे तो भाइयों और बहनों, एक ग्रीस वाले की वजह से भी गाड़ी का बहुत सारा काम रुक जाता है। धुलिया शहर का नाम आया, यानी कि हर कलाकार का नाम इसमें शामिल हो जा रहा है। और देखने वाली बात तो ये है भाइयों, यहाँ के जो बॉडी बिल्डर है, ड्राइवर की, मालिक की और क्लीनर की, तमाम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी कैबिन को अपने अंदाज में बनाते हैं। और सही मानों में देखा जाए तो भाइयों, बॉडी बिल्डर की तो इस काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है, क्योंकि चुनिंदा कलाकारों को एक जगह जमा करके तो एक लाइट तो लगा दे बेटा, इधर कमाल कर रही तू, उड़ जाएगा ना, बट आ जाओ कर रही। छोटे बड़े और मशहूर मारूफ और सभी प्रकार के कलाकारों को एक जगह जमा करके बॉडी बिल्डर अपनी गाड़ियों में, यानी के चुनिंदा कलाकारों की सहूलियतों के हिसाब से, जो जूनी पुरानी नई जो पुरानी गाड़ियां आती है, उन्हें इस कदर बेहतरीन अंदाज में बना डालते हैं कि गाड़ी बिल्कुल पहचान में नहीं आती है कि ये वही गाड़ी है। गाड़ी वालों का भी ये कहना होता है कि सिर्फ गाड़ी के नंबर से ही गाड़ी पहचान में आ सकती है। गाड़ी जब आती है गैरेज में तो कुछ अलग पोजीशन में होती है, और जब बन कर निकलती है, यानी कि यहाँ से जब जाती है, रवाना होती है, तो गाड़ी का लुक, उसका शो, बॉडी, कैबिन, कलर और बहुत कुछ लुक चेंज होने के बाद गाड़ी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से ही पहचान में आती है। तो दोस्तों, ये है हमारे धुलिया शहर का मार्केट। यहाँ पर गाड़ी का बॉडी, कैबिन, शो, डेंटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और ना जाने कई प्रकार के काम इसमें किए जाते हैं। गाड़ी के नट बोल्ट से लेकर मशीनरी, इंजन और हर काम यहाँ पर किया जाता है। और भाइयों, देखा जाए तो गाड़ियों में स्प्रे पेंटर की भी बहुत मेहनत होती है। डेंटिंग, वेल्डिंग और खड्डे वगैरह को बहुत ही सफाई से, मेहनत से, लांबी, कारपेच, अस्तर और कलर सिंगल, डबल, फाइनल करके उसे ऐप को छुपा दिया जाता है। और इन सब की कलाकारी के बाद आता है मेरा नंबर, यानी कि खान पेंटर। जी हाँ बहनों और भाइयों, आर्ट की दुनिया में अपना भी कुछ मकाम अलग ही रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताते चलूँ, पिछले 40-45 सालों से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका सेवार्थ बनकर बैठा हूँ। और हाँ भाइयों, हमारे यहाँ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, आयशर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर, 407 बोलेरो, पिकअप, छोटा हाथी, लिखाई, सजावट, पेंटिंग और डिज़ाइन, पेंटिंग, बैकग्राउंड, सैकड़ों प्रकार के बैकग्राउंड, हज़ारों प्रकार की डिज़ाइन, बढ़िया से बढ़िया लेटर, लेटर फॉन्ट्स, अनगिनत स्टाइल्स, बेशुमार भाषाएं, यानी के जैसे के बताया जाता है, बहुत सारी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी और वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं आपको नेट की दुनिया में, इंटरनेट में, यानी के यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंट्रेस्ट, इंस्टाग्राम, मौज और बहुत सारी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं इसी नंबर पर मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारा पता है खान पेंटर धुलिया, AB रोड, 40 गांव, चौफुली, होटल अमृत के पास, धुलिया। जी हाँ, और हमारा फ़ोन नंबर याद रखिए, 9226142795।
भाइयों, काम कोई छोटा हो या बड़ा हो, काम तो आखिर काम ही होता है। आसपास में अगर आप मुझे एक नंबर प्लेट के लिए भी फ़ोन करोगे तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। वैसे आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, बैनर होल्डिंग और बहुत सारे आर्ट वर्क काम किए जाते हैं। भाइयों, मेरी इस वीडियो को गौर से देखिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें आपको जो भी कमी खामी या जो भी कुछ नज़र आए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ मेरी पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, ये इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ, हमेशा लाता रहता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में क्या चाहिए। आपकी पसंद के मुताबिक मैं उस वीडियो में ज़रूर आपकी पसंदीदा फरमाइश को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अपना तो पहले से यही ख्याल रहा है, बढ़िया काम वाजबी दाम, बढ़िया काम वाजबी दाम। जी हाँ भाइयों, बढ़िया काम वाजबी दाम, सुपर काम वाजबी दाम। मेरी इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, खान पेंटर के और आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का सुस्वागतम, वेलकम और खुशामदीद कहते हुए मैं आपको एक और वीडियो देखने की दावत दे रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आज आपका पेंटिंग का साथी यानी कि खान पेंटर पेंटिंग की बहुत सारी भूली बिखरी यादों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। सन 2017 की बहुत सारी यादों को लेकर आपके साथ दाखिल हो रहा है। आहा, लेकिन क्या करूँ साहब, उससे पहले की भी बहुत सारी यादें मेरे दिल में अब तक बसी हुई है और एक पैगाम बनकर आपके सामने आने के लिए तैयार बैठी है। अगर इन यादों को कहा जाए यादों की बारात तो भी कोई कम नहीं। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, इंसान की ज़िंदगी में यादों के सिवा बसा ही क्या है। ये ज़िंदगी भी सिर्फ एक यादों की बारात बनकर रह गई है। मेरे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स और व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आए कि भाई आप वीडियो को बहुत छोटी बनाते हो। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी लंबी और बड़ी वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियो को एक जगह जमा करके आपकी फरमाइश पर ये एक वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि हमारा धुलिया शहर हज़ारों लाखों और करोड़ों में से एक शहर यानी कि महाराष्ट्र का धुलिया शहर, धुलिया शहर में एक से बढ़कर एक कलाकार। और भाइयों, धुलिया शहर के बाहर, अंदर और चारों तरफ कलाकार बसे हुए हैं। जी हाँ, अगर ये कहा जाए कि यहाँ कलाकार बनते नहीं बल्कि कलाकार पैदा होते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ शहर के गोशे गोशे में कलाकार बसे हुए हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, इंदौर कैबिन बनाने के लिए हमें पहले इंदौर जाना पड़ता था। मुड़ासा कैबिन बनाने के लिए बहुत सारे मुड़ासा के शौकीन वहाँ जाकर बॉडी कैबिन बना कर लाते थे। और उसके बाद जब राजस्थान कैबिन का दौर चला तब तो बहुत सारे लोग राजस्थान से बॉडी कैबिन कलरिंग वगैरह करवा के लाते थे। इसी के साथ साथ बेलगांव कैबिन का भी वही हाल था। इसी के साथ बेलगांव कैबिन, नासिक कैबिन, पंजाब कैबिन वगैरह हर कैबिन बनाने के लिए उसके अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। और अब भाइयों देखिए, धुलिया शहर के कलाकारों ने कुछ ऐसी करोड़ बदली, एक ही शहर में, एक ही गांव में, एक ही हाईवे पर गाड़ी के एक नट बोल्ट से लेकर बुशिंग, पाटे, मशीनरी, इंजन, बॉडी, कैबिन, शो और बहुत सारी बातें आपको यहीं पर
ये फरमाइश के मुताबिक मिल जाएंगी। हमारे धुलिया शहर में बहुत सारे कलाकार, इंदौर कैबिन, मुड़ासा, राजस्थान, पंजाब कैबिन, बेलगांव कैबिन और नासिक कैबिन वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाकर आपकी पेशे खिदमत कर सकते हैं। जी हाँ भाइयों, हमारे यहाँ हर चीज़ का वाजबी दाम, मुनासिब काम, यहाँ पर एक से बढ़कर एक बॉडी कैबिन और शो रिपेयरिंग वगैरह के काम के कलाकार भी बहुत सारे मौजूद है। और हर कलाकार ने अपने गैरेज में बहुत सारे चुनिंदा कलाकारों को जमा करके रखा है, जैसे कि रेडियम कलाकार, स्प्रे पेंटर्स, आज भी हमारे यहाँ स्प्रे पेंटर अमजद, स्प्रे पेंटर अखिल, स्प्रे पेंटर भुरू और उस्तादों में गिने जाने वाले स्प्रे पेंटर फारूक एंड महमूद, स्प्रे पेंटर अफान, स्प्रे पेंटर रहमान, स्प्रे पेंटर जब्बार, स्प्रे पेंटर गैस बापू, स्प्रे पेंटर शकील, स्प्रे पेंटर सत्तार खान और ना जाने ऐसे अनगिनत कई बहुत सारे उस्तादों के उस्ताद और माहिर कलाकार यहाँ मौजूद है। और भाइयों, रेडियम के कलाकारों की भी कोई कमी नहीं है। स्प्रे पेंटर में भी बहुत सारे पेंटरों के अलावा कई गुमनाम कलाकार और भी मौजूद है जो बंगार को अंगार बना देते हैं। जी हाँ, अरे भाई, रंगों की दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लांदी, अस्तर, कारपेच, गसाई, सिंगल हाथ, डबल हाथ, फाइनल और साथ ही साथ कोटिंग वगैरह। ये मानिए जैसे कि ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ी बनाई नहीं बल्कि रख दी गई है सामने। भाइयों, अगर देखना चाहे तो इसके आगे नई लग्जरी भी फीकी पड़ जाती है। इस तरीके की कलाकारी ये हमारे कलाकार लोग बताते हैं। सही मानों में तो साहब, कलाकारी की कला कदर करने वाला चाहिए। कलाकार की कदर और हिम्मत, हौसला अफजाई से कलाकार को बहुत कुछ मिल जाता है। कलाकार की हिम्मत और हौसला अफजाई करने से कलाकार का पूरी थकन उतर जाती है। और भाइयों, इनके बाद आता है हमारे रेडियम वालों की कलाकारी, यानी कि बहुत सारी ग्लास पेंटिंग, ग्लास के कांच के ऊपर पेंटिंग वगैरह, पट्टों पर नाम लिखाई और बहुत सारी डिज़ाइनें, फूल, फाउंट्स, बढ़िया से बढ़िया फाउंट्स, छोटे मोटे और डिज़ाइन वाले बैकग्राउंड्स, ना जाने रेडियम में और ये लोग क्या क्या कलाकारी कर देते हैं। हमारे यहाँ मशहूर मारूफ शख्सियत रजा रेडियम आर्ट, न्यामत रईस और अब्दुल रशीद वगैरह, इनके बाद और भी बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे कि अख्तर रेडियम वाला, अखलाक रेडियम वाला और बहुत सारे रेडियम वाले हैं। अभी सबके नाम लेना तो कोई मुनासिब नहीं है भाई, इतना मेरे जहन में था वही मैं आपको बता रहा हूँ। इनके अलावा गादी बुशिंग का जो काम करते हैं, यानी कि एमपी कुशन, मसूद भाई शेरा, जावेद भाई धुलिया कुशन, अशफाक कुशन, शकील भाई कुशन वाले और बहुत सारे कलाकार यहाँ मौजूद है जो अपनी कलाकारी से बहुत कुछ बना सवार कर बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। इनके काम को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक की गादी बुशिंग नहीं बल्कि कोई हवाई जहाज़ की गादी बुशिंग की गई है। लेकिन हाँ, इनका भी वही हाल है, वाजबी दाम, बढ़िया काम। और हाँ भाइयों, इलेक्ट्रिशियन के बगैर तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। अगर ये कहा जाए कि भाई रात में लाइटिंग बंद हो गई तो गाड़ी हिलेंगी नहीं। बेहतरीन अंदाज में, लाजवाब कलरों में, रंगीन और बढ़िया से बढ़िया लाइटिंग, पाटे वाले भी बहुत सारे हमारे यहाँ मौजूद है, जैसे कि सईद भाई पाटे वाले, समंत भाई पाटे वाले और बहुत सारे पाटे वाले मौजूद है। ट्विटर में भी बहुत सारे, जैसे कि रफ़ीक भाई, रफ़ीक ऑटो गैरेज और ऐसे बहुत सारे मैकेनिक, जिनकी वजह से धुलिया शहर का नाम आज बहुत ही बुलंदी पर पहुंच चुका है।
और हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ फिनिश मारने वाले से लेकर बढ़िया से बढ़िया कलाकारी तक बहुत सारे कलाकार ऐसे मौजूद हैं जो अपनी कला में बहुत ही माहिर। दोस्तों हमारे यहाँ गाड़ी का एक नट बोल्ट स्क्रू नया पुराना और सब चीज़ें बाकायदा हमारे यहाँ मिल जाती है। दोस्तों ये तो हुई मशीनरी लाइन से, और हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है। ट्रांसपोर्ट नगरी यानी कि ट्रांसपोर्ट हैवे ट्रांसपोर्ट नगरी। भाइयों गाड़ी मालक की ड्राइवर और क्लीनर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी बिल्डर यानी कि बॉडी कैबिन शो रिपेयरिंग वाले गाड़ी की इस तरीके से बनावट करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास रहे। बढ़िया काम, चुनिंदा कलाकार और बहुत सारी टेंशन को सुलझाते हुए चुनिंदा बढ़िया और मजबूत मटेरियल इस्तेमाल करते हुए जानदार और शानदार काम। लेकिन इनका भी यही नारा रहा, वाजबी दाम बढ़िया काम। मजबूत और बढ़िया मटेरियल, हेवी मटेरियल का शाहकार। दोस्तों अगर हमारे यहाँ स्प्रे पेंटर अब्दुल रशीद के बारे में कहा जाए तो वो भी कुछ बातों में किसी से भी कम नहीं है। और हमारे यहाँ पुराने उस्तादों में अब्दुल सत्तार पेंटर का नाम आता था, उन्होंने आज रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि उन्होंने स्प्रे पेंटर शकील को तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस दौर में स्प्रे पेंटर शकील अहमद भी कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों उनका तो एक चैनल भी है शकील पेंटर के नाम से, जिसमें उन्होंने आयसर की बहुत सी गाड़ियों की वीडियो डाल रखी है। तकरीबन उन्हें लाख लोग देख चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों ये जो मेरा चैनल चल रहा है ये उन्हीं की बदौलत चल रहा है, क्योंकि ये चैनल बनाने और आइडिया देने से लेकर चलाने तक अभी तक उन्हीं ने रहबरी की है। देखने में छोटा सा लड़का लगता है, लेकिन वो काफ़ी जानकार और मशहूर मारूफ शख्सियत है। जी हाँ, स्प्रे पेंटर शकील अहमद यानी के राहिल आर्ट। दोस्तों गाड़ी बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत यानी के दिमाग को तान जिसको कहा जाता है वो बॉडी बिल्डर का ही रहता है। बढ़िया से बढ़िया कारीगरों को एक जगह जमा करना, स्प्रे पेंटर, गादी भूषण मेकर, रेडियम आर्टिस्ट, आर्ट पेंटर और बहुत सारे कलाकारों को एक ही छत के नीचे जमा करके रखना कोई साधारण सी बात नहीं है। बहुत सारे कलाकारों को एक जगह जमा करके रखना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों ये सारे कलाकारों की कामयाबी का सहरा बॉडी बिल्डर के नाम पर ही जाता है, यानी कि बॉडी कैबिन शो रिपेयरिंग गैरेज वालों के नाम पर। जी हाँ बहनों और भाइयों, ये चुनिंदा कलाकारों की पेशकश है जो आप गाड़ी देख रहे हैं। जो गाड़ियों में जो भी सजावट, लिखाई, रेडियम, मशीनरी और ना जाने बहुत सारी बातें जैसे कि लाइटिंग, वायरिंग, पाटा, फिटर वगैरह वगैरह, गाड़ी आती है तो कुछ अलग ही पोजीशन में, जैसे कि टूटी फूटी हुई एक्सीडेंट गाड़ियाँ, कंपनी से निकली हुई सादी सैंपल गाड़ियाँ, लेकिन जब बन कर जाती है तो गाड़ी वाले भी कहते हैं कि इसे हमारे गांव के लोग भी शायद नहीं पहचानेंगे। जी हाँ बहनों और भाइयों, इस तरीके की गाड़ियों की पहचान सिर्फ एक ही बातों से की जाती है, यानी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आरटीओ ऑफिस से मिलता है। दोस्तों अभी तक तो मैंने बॉडी बिल्डर के बारे में बहुत कुछ बता दिया हूँ, अब आपका जाना माना चहिता कलाकार खान पेंटर, मैं तकरीबन पिछले 40-45 सालों से आपकी सेवा में हाईवे पर ही बैठा हूँ। एक नंबर प्लेट से लेकर पूरी गाड़ी की लिखाई, हमारे यहाँ एक नंबर प्लेट, सनसेट प्लास्टिक, ग्लॉस पेंटिंग और
साथ ही साथ बहुत सारे कलरिंग, डिज़ाइन, आर्ट, लिखाई। दोस्तों, मुझे आपकी मोहब्बत ने इस कदर मशहूर मारूफ बना दिया, सारा शहर मुझे खान पेंटर के नाम से जानता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ थ्री व्हीलर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, आयशर, ट्राला, टैंकर, ट्रैक्टर, 407, बोलोरो पिकअप, छोटा हाथी, लिखाई, सजावट, झालर, पर्दे, बैकग्राउंड और बहुत सारी बातें। पेंटिंग में एक से बढ़कर एक अलहदा बैकग्राउंड, एक से बढ़िया एक बैकग्राउंड, सैकड़ों फाउंड लेटर्स, बेशुमार डिज़ाइनों में फोटो, फिगर, राइटिंग, सीन, सीनरी, साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, बैनर होल्डिंग, ए टू जेड, अनगिनत भाषाओं में, यानी के उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती और वगैरह वगैरह फॉन्ट्स में। जी हाँ दोस्तों, बस सिर्फ एक ही नारा, वाजबी दाम, बढ़िया काम। एक बार हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। दोस्तों, हमारा पता है खान पेंटर धुलिया, AB रोड, हाईवे, 40 गांव चौफुली, होटल अमृत के पास, धुलिया। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9226142795। जी हाँ, याद रखिए 9226142795। और दोस्तों, दूसरा नंबर भी इसी से मिलता जुलता है, 9326142795। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि खान पेंटर ने सिर्फ नाम के सिवा और कुछ नहीं कमाया तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। अगर ये कहा जाए कि हमारा नाम ही काफ़ी है तो भी शायद सही बात होगी। दोस्तों, मैं आपको इसी नंबर पर, यानी कि 9226142795 पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, मौज और बहुत सारे नेटवर्क वेबसाइट पर मिल जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वाजबी दाम, बढ़िया काम, खान पेंटर धुलिया। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको मेरी इस वीडियो में जो भी कमी बेशी नज़र आए तो उसे कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। इसमें जो भी आपको कमी बेशी नज़र आए मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैं इसी तरीके की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा मेरी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को, यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर दोस्तों, वक्त की रफ़्तार के घोड़े पर सवार हो जाइए और अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शब खैर, खुदा हाफिज़। जी हाँ बहनों और भाइयों, धुलिया शहर में आपके अपने और खान पेंटर के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से सुस्वागतम, खुश आमदीद और वेलकम कहते हुए मैं आपको एक और वीडियो देखने की दावत दे रहा हूँ। आज मैं आपको अपने बहुत सारी वीडियो को एक जगह जमा करके पेश कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई, जोधपुर, इंदौर कैबिन, बेलगांव कैबिन,
छोटा हाथी, टाटा एस, बोलोरो 407, आयशर और बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई की पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ बहनों और भाइयों, हमारे इस धुलिया शहर में एक से बढ़कर एक फनकार मौजूद है, जैसे कि बॉडी कैबिन मेकर, बेहतरीन से बेहतरीन स्प्रे पेंटर्स, लाजवाब रेडियम आर्टिस्ट, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी कुशन मेकर और सभी कलाकार एक ही छत के नीचे। जी हाँ, और लाजवाब इलेक्ट्रिशन, बेहतरीन पाटे वाले और मशहूर मारूफ शख्सियतें, इंजन फिटर वगैरह। देखना चाहे तो भाइयों और बहनों, एक ग्रीस वाल्व की वजह से भी गाड़ी का बहुत सारा काम रुक जाता है। धुलिया शहर का नाम आया, यानी कि हर कलाकार का नाम इसमें शामिल हो जा रहा है। और देखने वाली बात तो ये है भाइयों, यहाँ के जो बॉडी बिल्डर है, ड्राइवर की, मालिक की और क्लीनर की, तमाम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी कैबिन को अपने अंदाज में बनाते हैं। और सही मानों में देखा जाए तो भाइयों, बॉडी बिल्डर की तो इस काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है, क्योंकि चुनिंदा कलाकारों को एक जगह जमा करके तो एक लाइट तो लगा दे बेटा, इधर कमाल कर रही तू, उड़ जाएगा ना, बट आ जाओ कर रही। छोटे बड़े और मशहूर मारूफ और सभी प्रकार के कलाकारों को एक जगह जमा करके बॉडी बिल्डर अपनी गाड़ियों में, यानी के चुनिंदा कलाकारों की सहूलियतों के हिसाब से, जो जूनी पुरानी नई जो पुरानी गाड़ियां आती है, उन्हें इस कदर बेहतरीन अंदाज में बना डालते हैं कि गाड़ी बिल्कुल पहचान में नहीं आती है कि ये वही गाड़ी है। गाड़ी वालों का भी ये कहना होता है कि सिर्फ गाड़ी के नंबर से ही गाड़ी पहचान में आ सकती है। गाड़ी जब आती है गैरेज में तो कुछ अलग पोजीशन में होती है, और जब बन कर निकलती है, यानी कि यहाँ से जब जाती है, रवाना होती है, तो गाड़ी का लुक, उसका शो, बॉडी कैबिन, कलर और बहुत कुछ लुक चेंज होने के बाद गाड़ी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से ही पहचान में आती है। तो दोस्तों, ये है हमारे धुलिया शहर का मार्केट। यहाँ पर गाड़ी का बॉडी कैबिन शो, डेंटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और ना जाने कई प्रकार के काम इसमें किए जाते हैं। गाड़ी के नट बोल्ट से लेकर मशीनरी, इंजन और हर काम यहाँ पर किया जाता है। और भाइयों, देखा जाए तो गाड़ियों में स्प्रे पेंटर की भी बहुत मेहनत होती है। डेंटिंग, वेल्डिंग और खड्डे वगैरह को बहुत ही सफाई से, मेहनत से, लांबी कारपेच, अस्तर और कलर सिंगल डबल फाइनल करके उसे ऐप को छुपा दिया जाता है। और इन सब की कलाकारी के बाद आता है मेरा नंबर, यानी कि खान पेंटर। जी हाँ बहनों और भाइयों, आर्ट की दुनिया में अपना भी कुछ मकाम अलग ही रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताते चलूँ, पिछले 40-45 सालों से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका सेवार्थ बनकर बैठा हूँ। और हाँ भाइयों, हमारे यहाँ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, आयशर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर, 407, बोलेरो, पिकअप, छोटा हाथी, लिखाई, सजावट, पेंटिंग और डिज़ाइन, पेंटिंग, बैकग्राउंड, सैकड़ों प्रकार के बैकग्राउंड, हज़ारों प्रकार की डिज़ाइन, बढ़िया से बढ़िया लेटर, लेटर फॉन्ट्स, अनगिनत स्टाइल्स, बेशुमार भाषाएं, यानी के जैसे के बताया जाता है, बहुत सारी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी और वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं आपको नेट की दुनिया में, इंटरनेट में, यानी के यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप,
ट्विटर, पिंट्रेस, इंस्टाग्राम, मौज और बहुत सारी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं इसी नंबर पर मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारा पता है खान पेंटर धुलिया, AB रोड, चालीसगांव चौफुली, होटल अमृत के पास, धुलिया। जी हाँ, और हमारा फ़ोन नंबर याद रखिए 9226142795। भाइयों, काम कोई छोटा हो या बड़ा हो, काम तो आखिर काम ही होता है। आसपास में अगर आप मुझे एक नंबर प्लेट के लिए भी फ़ोन करोगे तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। वैसे आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, बैनर होल्डिंग और बहुत सारे आर्ट वर्क काम किए जाते हैं। भाइयों, मेरी इस वीडियो को गौर से देखिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें आपको जो भी कमी खामी या जो भी कुछ नज़र आए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ मेरी पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, ये इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ, हमेशा लाता रहता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में क्या चाहिए। आपकी पसंद के मुताबिक मैं उस वीडियो में ज़रूर आपकी पसंदीदा फरमाइश को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अपना तो पहले से यही ख्याल रहा है, बढ़िया काम वाजबी दाम, बढ़िया काम वाजबी दाम। जी हाँ भाइयों, बढ़िया काम वाजबी दाम, सुपर काम वाजबी दाम। मेरी इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर हमारे यहाँ स्प्रे पेंटर अब्दुल रशीद के बारे में कहा जाए तो वो भी कुछ बातों में किसी से भी कम नहीं है। और हमारे यहाँ पुराने उस्तादों में अब्दुल सत्तार पेंटर का नाम आता था, उन्होंने आज रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि उन्होंने स्प्रे पेंटर शकील को तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस दौर में स्प्रे पेंटर शकील अहमद भी कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, उनका तो एक चैनल भी है शकील पेंटर के नाम से, जिसमें उन्होंने आयसर की बहुत सी गाड़ियों की वीडियो डाल रखी है। तकरीबन उन्हें लाख लोग देख चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, ये जो मेरा चैनल चल रहा है ये उन्हीं की बदौलत चल रहा है, क्योंकि ये चैनल बनाने और आइडिया देने से लेकर चलाने तक अभी तक उन्हीं ने रहबरी की है। देखने में छोटा सा लड़का लगता है, लेकिन वो काफ़ी जानकार और मशहूर मारूफ शख्सियत है। जी हाँ, स्प्रे पेंटर शकील अहमद, यानी के राहिल आर्ट। दोस्तों, गाड़ी बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत यानी के दिमाग को तान जिसको कहा जाता है वो बॉडी बिल्डर का ही रहता है। बढ़िया से बढ़िया कारीगरों को एक जगह जमा करना, स्प्रे पेंटर, गादीभूषण मेकर, रेडियम आर्टिस्ट, आर्ट पेंटर और बहुत सारे कलाकारों को एक ही छत के नीचे जमा करके रखना कोई साधारण सी बात नहीं है। बहुत सारे कलाकारों को एक जगह जमा करके रखना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, ये सारे कलाकारों की कामयाबी का सहरा बॉडी बिल्डर के नाम पर ही जाता है, यानी कि बॉडी कैबिन शो रिपेयरिंग गैरेज वालों के नाम पर। जी हाँ बहनों और भाइयों, ये चुनिंदा कलाकारों की पेशकश है जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जो गाड़ियों में जो भी सजावट, लिखाई, रेडियम
मशीनरी और ना जाने बहुत सारी बातें, जैसे कि लाइटिंग, वायरिंग, पाटा, फिटर वगैरह वगैरह। गाड़ी आती है तो कुछ अलग ही पोजीशन में, जैसे कि टूटी फूटी हुई, एक्सीडेंट गाड़ियाँ, कंपनी से निकली हुई सादी सैंपल गाड़ियाँ, लेकिन जब बन कर जाती है तो गाड़ी वाले भी कहते हैं कि इसे हमारे गांव के लोग भी शायद नहीं पहचानेंगे। जी हाँ बहनों और भाइयों, इस तरीके की गाड़ियों की पहचान सिर्फ एक ही बातों से की जाती है, यानी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आरटीओ ऑफिस से मिलता है। दोस्तों अभी तक तो मैंने बॉडी बिल्डर के बारे में बहुत कुछ बता दिया हूँ, अब आपका जाना माना चहिता कलाकार खान पेंटर, मैं तकरीबन पिछले 40-45 सालों से आपकी सेवा में हाईवे पर ही बैठा हूँ। एक नंबर प्लेट से लेकर पूरी गाड़ी की लिखाई, हमारे यहाँ एक नंबर प्लेट, सनसेट प्लास्टिक, ग्लास पेंटिंग और साथ ही साथ बहुत सारे कलरिंग, डिज़ाइन, आर्ट, लिखाई। दोस्तों मुझे आपकी मोहब्बत ने इस कदर मशहूर मारूफ बना दिया, सारा शहर मुझे खान पेंटर के नाम से जानता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ थ्री व्हीलर, हाँ दोस्तों हमारे यहाँ थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर, आयशर, ट्राला, टैंकर, ट्रैक्टर, 407, बोलोरो पिकअप, छोटा हाथी, लिखाई, सजावट, झालर, पर्दे, बैकग्राउंड और बहुत सारी बातें, पेंटिंग में एक से बढ़कर एक अलहदा बैकग्राउंड, एक से बढ़िया एक बैकग्राउंड, सैकड़ों फाउंड लेटर्स, बेशुमार डिज़ाइनों में फोटो, फिगर, राइटिंग, सीन, सीनरी, साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, बैनर, होल्डिंग, ए टू जेड, अनगिनत भाषाओं में, यानी कि उर्दू, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती और वगैरह वगैरह फॉन्ट्स में। जी हाँ दोस्तों, बस सिर्फ एक ही नारा, वाजबी दाम, बढ़िया काम। एक बार हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। दोस्तों हमारा पता है खान पेंटर धुलिया, AB रोड, हाईवे, 40 गांव चौफुली, होटल अमृत के पास धुलिया। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9226142795। जी हाँ याद रखिए, 9226142795। और दोस्तों दूसरा नंबर भी इसी से मिलता जुलता है, 9326142795। दोस्तों अगर ये कहा जाए कि खान पेंटर ने सिर्फ नाम के सिवा और कुछ नहीं कमाया तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, अगर ये कहा जाए कि हमारा नाम ही काफ़ी है तो भी शायद सही बात होगी। दोस्तों मैं आपको इसी नंबर पर, यानी कि 9226142795 पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंट्रेस, इंस्टाग्राम, मौज और बहुत सारे नेटवर्क वेबसाइट पर मिल जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वाजबी दाम, बढ़िया काम, खान पेंटर धुलिया। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको मेरी इस वीडियो में जो भी कमी बेशी नज़र आए तो उसे कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। इसमें जो भी आपको कमी बेशी नज़र आए
मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैं इसी तरीके की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा मेरी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को, यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर दोस्तों, वक्त की रफ़्तार के घोड़े पर सवार हो जाइए और अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। जी हाँ बहनों और भाइयों, धुलिया शहर में आपके अपने और खान पेंटर के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से सुस्वागतम, खुश आमदीद और वेलकम कहते हुए मैं आपको एक और वीडियो देखने की दावत दे रहा हूँ। आज मैं आपको अपने बहुत सारी वीडियो को एक जगह जमा करके पेश कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई, जोधपुर, इंदौर कैबिन, बेलगांव कैबिन, छोटा हाथी, टाटा एस, बोलोरो 407, आयशर और बहुत सारी गाड़ियों की लिखाई की पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ बहनों और भाइयों, हमारे इस धुलिया शहर में एक से बढ़कर एक फनकार मौजूद है, जैसे कि बॉडी कैबिन मेकर, बेहतरीन से बेहतरीन स्प्रे पेंटर्स, लाजवाब रेडियम आर्टिस्ट, बढ़िया से बढ़िया गादी कुशन मेकर और सभी कलाकार एक ही छत के नीचे। जी हाँ, और लाजवाब इलेक्ट्रिशन, बेहतरीन पाटे वाले और मशहूर मारूफ शख्सियतें, इंजन फिटर वगैरह। देखना चाहे तो भाइयों और बहनों, एक ग्रीस वाले की वजह से भी गाड़ी का बहुत सारा काम रुक जाता है। धुलिया शहर का नाम आया, यानी कि हर कलाकार का नाम इसमें शामिल हो जा रहा है। और देखने वाली बात तो ये है भाइयों, यहाँ के जो बॉडी बिल्डर है, ड्राइवर की, मालिक की और क्लीनर की, तमाम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी कैबिन को अपने अंदाज में बनाते हैं। और सही मानों में देखा जाए तो भाइयों, बॉडी बिल्डर की तो इस काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है, क्योंकि चुनिंदा कलाकारों को एक जगह जमा करके तो एक लाइट तो लगा दे बेटा, इधर कमाल कर रही तू, उड़ जाएगा ना, बट आ जा कर रही। छोटे बड़े और मशहूर मारूफ और सभी प्रकार के कलाकारों को एक जगह जमा करके बॉडी बिल्डर अपनी गाड़ियों में, यानी के चुनिंदा कलाकारों की सहूलियतों के हिसाब से, जो जूनी पुरानी नई जो पुरानी गाड़ियां आती है, उन्हें इस कदर बेहतरीन अंदाज में बना डालते हैं कि गाड़ी बिल्कुल पहचान में नहीं आती है कि ये वही गाड़ी है। गाड़ी वालों का भी ये कहना होता है कि सिर्फ गाड़ी के नंबर से ही गाड़ी पहचान में आ सकती है। गाड़ी जब आती है गैरेज में तो कुछ अलग पोजीशन में होती है, और जब बन कर निकलती है, यानी कि यहाँ से जब जाती है, रवाना होती है, तो गाड़ी का लुक, उसका शो, बॉडी, कैबिन, कलर और बहुत कुछ लुक चेंज होने के बाद गाड़ी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से ही पहचान में आती है। तो दोस्तों, ये है हमारे धुलिया शहर का मार्केट। यहाँ पर गाड़ी का बॉडी, कैबिन, शो, डेंटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और ना जाने कई प्रकार के काम इसमें किए जाते हैं। गाड़ी के नट बोल्ट से लेकर मशीनरी, इंजन और हर काम यहाँ पर किया जाता है। और भाइयों, देखा जाए तो गाड़ियों में स्प्रे पेंटर की भी बहुत मेहनत होती है। डेंटिंग, वेल्डिंग और खड्डे वगैरह को बहुत ही सफाई से, मेहनत से, लांबी, कारपेच, अस्तर और कलर सिंगल, डबल, फाइनल करके उसे ऐप को छुपा दिया जाता है। और इन सब की कलाकारी के बाद आता है मेरा नंबर, यानी कि खान पेंटर। जी हाँ बहनों और भाइयों, आर्ट की दुनिया में अपना भी कुछ मकाम अलग ही रहा है।
आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताते चलूँ, पिछले 40-45 सालों से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका सेवार्थ बनकर बैठा हूँ। और हाँ भाइयों, हमारे यहाँ 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर, आयशर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टैंकर, 407, बोलेरो, पिकअप, छोटा हाथी, लिखाई, सजावट, पेंटिंग और डिज़ाइन, पेंटिंग, बैकग्राउंड, सैकड़ों प्रकार के बैकग्राउंड, हज़ारों प्रकार की डिज़ाइन, बढ़िया से बढ़िया लेटर फॉन्ट्स, अनगिनत स्टाइल्स, बेशुमार भाषाएं, यानी के जैसे के बताया जाता है बहुत सारी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी और वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं आपको नेट की दुनिया में, इंटरनेट में, यानी के यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंट्रेस, इंस्टाग्राम, मौज और बहुत सारी वेबसाइट पर कहीं ना कहीं इसी नंबर पर मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। हमारा पता है खान पेंटर धुलिया, AB रोड, 40 गांव चौफुली, होटल अमृत के पास, धुलिया। जी हाँ, और हमारा फ़ोन नंबर याद रखिए, 9226142795। भाइयों, काम कोई छोटा हो या बड़ा हो, काम तो आखिर काम ही होता है। आसपास में अगर आप मुझे एक नंबर प्लेट के लिए भी फ़ोन करोगे तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। वैसे आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, बैनर होल्डिंग और बहुत सारे आर्ट वर्क काम किए जाते हैं। भाइयों, मेरी इस वीडियो को गौर से देखिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें आपको जो भी कमी खामी या जो भी कुछ नज़र आए, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ मेरी पसंद ना आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, ये इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर हमेशा डालता रहता हूँ, हमेशा लाता रहता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में क्या चाहिए। आपकी पसंद के मुताबिक मैं उस वीडियो में ज़रूर आपकी पसंदीदा फरमाइश को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अपना तो पहले से यही ख्याल रहा है, बढ़िया काम वाजबी दाम, बढ़िया काम वाजबी दाम। जी हाँ भाइयों, बढ़िया काम वाजबी दाम, सुपर काम वाजबी दाम। मेरी इस वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ भाइयों और बहनों, खान पेंटर के और आपके अपने इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागतम, वेलकम और खुशामदीद कहते हुए मैं आपको एक और वीडियो देखने की दावत दे रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आज आपका पेंटिंग का साथी यानी कि खान पेंटर पेंटिंग की बहुत सारी भूली बिखरी यादों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। सन 2000 बहुत सारी यादों को लेकर आपके साथ दाखिल हो रहा है। हाँ, लेकिन क्या करूँ साहब, उससे पहले की भी बहुत सारी यादें मेरे दिल में अब तक बसी हुई है और एक पैगाम बनकर आपके सामने आने के लिए तैयार रही। अगर इन यादों को कहा जाए यादों की बारात, तो भी कोई कम नहीं। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, इंसान की ज़िंदगी में यादों के सिवा बसा ही क्या है। ये ज़िंदगी भी सिर्फ एक यादों की बारात बनकर रह गई है। मेरे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स और व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आए कि भाई आप वीडियो को बहुत छोटी बनाते हो,
तो अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी लंबी और बड़ी वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियो को एक जगह जमा करके आपकी फरमाइश पर ये एक वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूँ कि हमारा धुलिया शहर हज़ारों लाखों और करोड़ों में से एक शहर यानी कि महाराष्ट्र का धुलिया शहर, धुलिया शहर में एक से बढ़कर एक कलाकार। और भाइयों धुलिया शहर के बाहर अंदर और चारों तरफ कलाकार बसे हुए हैं। जी हाँ, अगर ये कहा जाए कि यहाँ कलाकार बनते नहीं बल्कि कलाकार पैदा होते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों यहाँ शहर के गोशे गोशे में कलाकार बसे हुए हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, इंदौर कैबिन बनाने के लिए हमें पहले इंदौर जाना पड़ता था, मुड़ासा कैबिन बनाने के लिए बहुत सारे मुड़ासा के शौकीन वहाँ जाकर बॉडी कैबिन बना कर लाते थे। और उसके बाद जब राजस्थान कैबिन का दौर चला तब तो बहुत सारे लोग राजस्थान से बॉडी कैबिन कलरिंग वगैरह करवा के लाते थे। इसी के साथ साथ बेलगांव कैबिन का भी वही हाल था। इसी के साथ बेलगांव कैबिन, नासिक कैबिन, पंजाब कैबिन वगैरह हर कैबिन बनाने के लिए उसके अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। और अब भाइयों देखिए धुलिया शहर के कलाकारों ने कुछ ऐसी करोड़ बदली, एक ही शहर में, एक ही गांव में, एक ही हाईवे पर गाड़ी के एक नट बोल्ट से लेकर बुशिंग, पाटे, मशीनरी, इंजन, बॉडी, कैबिन, शो और बहुत सारी बातें आपको यहीं पर फरमाइश के मुताबिक मिल जाएंगी। हमारे धुलिया शहर में बहुत सारे कलाकार इंदौर कैबिन, मुड़ासा, राजस्थान, पंजाब कैबिन, बेलगांव कैबिन और नासिक कैबिन वगैरह सब कुछ यहां पर बनाकर आपकी पेश खिदमत कर सकते हैं। जी हाँ भाइयों, हमारे यहाँ हर चीज़ का वाजबी दाम मुनासिब काम, यहाँ पर एक से बढ़कर एक बॉडी कैबिन और शो रिपेयरिंग वगैरह के काम के कलाकार भी बहुत सारे मौजूद हैं। और रेडियम कलाकार, स्प्रे पेंटर, आज भी हमारे यहाँ स्प्रे पेंटर इंजन, स्प्रे पेंटर अकील, स्प्रे पेंटर गुरु और उत्तादों में गिने जाने वाले स्प्रे पेंटर फारूक एंड महमूद, स्प्रे पेंटर अफान, स्प्रे पेंटर रहमान, स्प्रे पेंटर जब्बार, स्प्रे पेंटर गयाज बापू, स्प्रे पेंटर शकील, स्प्रे पेंटर सत्तार खान और ना जाने ऐसे अनगिनत कई बहुत सारे उस्तादों के उस्ताद और माहिर कलाकार यहाँ मौजूद है। और भाइयों रेडियम के कलाकारों की भी कोई कमी नहीं है। स्प्रे पेंटर में भी बहुत सारे पेंटरों के अलावा कई गुमनाम कलाकार और भी मौजूद है जो बंगार को अंगार बना देते हैं। जी हाँ, अरे भाई रंगों की दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लांबी, अस्तर, कारपेज, गसाई, सिंगल हाथ, डबल हाथ, फाइनल और साथ ही साथ कोटिंग वगैरह। ये मानिए जैसे कि ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ी बनाई नहीं बल्कि रख दी गई है सामने। भाइयों अगर देखना चाहे तो इसके आगे नई लग्जरी भी फीकी पड़ जाती है, इस तरीके की कलाकारी ये हमारे कलाकार लोग बताते हैं। सही मानों में तो साहब कलाकारी की कला कदर करने वाला चाहिए, कलाकार की कदर और हिम्मत हौसला अफजाई से कलाकार को बहुत कुछ मिल जाता है। कलाकार की हिम्मत और हौसला अफजाई करने से कलाकार का पूरी थकन उतर जाती है। और भाइयों इनके बाद आता है हमारे रेडियम वालों की कलाकारी, यानी कि बहुत सारी ग्लास पेंटिंग, ग्लास के कांच के ऊपर पेंटिंग वगैरह, पट्टों पर नाम लिखाई और बहुत सारी डिज़ाइनें, फूल, फाउंट्स, बढ़िया से बढ़िया फाउंट्स, छोटे मोटे और डिज़ाइन वाले बैकग्राउंड्स, ना जाने रेडियम में और ये लोग क्या क्या कलाकारी कर देते हैं। हमारे यहाँ मशहूर मारूफ शख्सियत रज़ा रेडियम आर्ट्स,
नियामत रईस और अब्दुल रशीद वगैरह। इनके बाद और भी बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे कि अख्तर रेडियम वाला, अखलाक रेडियम वाला और बहुत सारे रेडियम वाले। अभी सबके नाम लेना तो कोई मुनासिब नहीं है भाई, इतना मेरे जहन में था वही मैं आपको बता रहा हूँ। इनके अलावा गादी बुशिंग का जो काम करते हैं, यानी कि एमपी कुशन, मसूद भाई शेरा, जावेद भाई धुलिया कुशन, अशफाक कुशन, शकील भाई कुशन वाले और बहुत सारे कलाकार यहाँ मौजूद है जो अपनी कलाकारी से बहुत कुछ बना सवार कर बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। इनके काम को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक की गाड़ी बुशिंग नहीं बल्कि कोई हवाई जहाज़ की गाड़ी बुशिंग की गई है। लेकिन हाँ, इनका भी वही हाल है, वाजबी दाम बढ़िया काम। और हाँ भाइयों, इलेक्ट्रिशियन के बगैर तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। अगर ये कहा जाए कि भाई रात में लाइटिंग बंद हो गई तो गाड़ी हिलेंगी नहीं, बेहतरीन अंदाज में लाजवाब कलरों में रंगीन और बढ़िया से बढ़िया लाइटिंग। पाटे वाले भी बहुत सारे हमारे यहाँ मौजूद है, जैसे कि सईद भाई पाटे वाले, समन भाई पाटे वाले और बहुत सारे पाटे वाले मौजूद है। ट्विटर में भी बहुत सारे, जैसे कि रफ़ीक भाई, रफ़ीक ऑटो गैरेज और ऐसे बहुत सारे मैकेनिक जिनकी वजह से धुलिया शहर का नाम आज बहुत ही बुलंदी पर पहुंच चुका है। और हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ फिरिस मारने वाले से लेकर बढ़िया से बढ़िया कलाकारी तक बहुत सारे कलाकार ऐसे मौजूद हैं जो अपनी कला में बहुत ही माहिर। दोस्तों, हमारे यहाँ गाड़ी का एक नट बोल्ट स्क्रू, नया पुराना और सब चीज़ें बाकायदा हमारे यहाँ मिल जाती है। दोस्तों, ये तो हुई मशीनरी लाइन से। और हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट नगरी, यानी कि ट्रांसपोर्ट हाईवे ट्रांसपोर्ट नगरी। भाइयों, गाड़ी मालक की, ड्राइवर और क्लीनर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी बिल्डर यानी कि बॉडी कैबिन शो रिपेयरिंग वाले गाड़ी की इस तरीके से बनावट करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास रहे। बढ़िया काम, चुनिंदा कलाकार और बहुत सारी टेंशन को सुलझाते हुए उमदा बढ़िया और मज़बूत मटेरियल इस्तेमाल करते हुए जानदार और शानदार काम। लेकिन इनका भी यही नारा रहा, वाजबी दाम बढ़िया काम। मज़बूत और बढ़िया मटेरियल, हेवी मटेरियल का शाहकार। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको मेरी इस वीडियो में जो भी कमी बेशी नज़र आए तो उसे कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। इसमें जो भी आपको कमी बेशी नज़र आए मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मैं इसी तरीके की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा मेरी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर दोस्तों, वक्त की रफ़्तार के घोड़े पर सवार हो जाइए और अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। दोस्तों, अगर सही मानों में देखा जाए तो ज़िंदगी में क्या है, सिर्फ यादें ही बची है। कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ सुरीली यादें, कुछ भूली बिखरी यादें और कुछ बचपन की यादें और कुछ पचपन की यादें। जी हाँ बहनों और भाइयों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको मेरी हर वीडियो को देखने की मतलब क्या कहना चाहिए कि भाई
एक ही वीडियो को भी अगर देख लेंगे आप तो मेरी बहुत सारी वीडियो इससे अटैच करके मैंने आपको एक वीडियो पेश किया हूँ। जी हाँ, देखिए आपकी खिदमत में वीडियो हाजिर है।